ढलाई जिले का ये उत्साह साफ साफ त्रिपुरा का मूल बता रहा है। त्रिपुरा ये ठान चुका है कि विकास का डबल इंजन अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए आज त्रिपुरा के कोने कोने में एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही जय घोष है, फिर एक बार डबल इंजन सरकार का ये मंत्र। भाइयों और बहनों, आज मैं त्रिपुरा की संतान, विजनरी नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी, उनको भी आदरपूर्वक याद कर रहा हूं। हम सब उन्हें एनसीडा के नाम से बुलाते थे। त्रिपुरा के विकास को लेकर अक्सर मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर मिलता था। आज एनसीडा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम सभी के बीच है और आने वाले समय में भी हमें प्रेरणा देती रहेगी। मुझे संतोष है कि देश ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए इस वर्ष उन्हें भारत का बहुमूल्य ऐसा पद्मश्री का सम्मान दिया। यह हमारा सौभाग्य है। श्री विक्रम बहादुर जमातिया जी को भी पद्मश्री देकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का गौरव बढ़ा है। भाजपा सरकार ने कोशिश की है कि त्रिपुरा और राष्ट्र के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को पूरा देश देखे, पूरा देश जाने। भाइयों और बहनों, दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है, त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। आज आप देखिए, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी, उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी, बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और अगर किसी ने अपने घर पर झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। साथियों, पहले त्रिपुरा में हर जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा।
कुछ भी हो चंदा, गाड़ी लाए चंदा, घर बना रहे हो चंदा, दुकान खोल रहे हो चंदा। इन लोगों ने तीन तीन दशक तक तिफारा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को पुराने आधार पर ही वेतन मिला करता था। भाजपा सरकार त्रिपुरा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। पहले त्रिपुरा में सिर्फ वामपंथी काडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अब भाजपा सरकार में त्रिपुरा के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले त्रिपुरा में लोग पुलिस थाने तक मुश्किल से पहुंच पाते थे, पहुंचने के पहले भी चंदा देना पड़ता था, पहुंचने के बाद भी चंदा देना पड़ता था। थानों पर भी सीपीएम कैडर का ही कब्जा था। अब भाजपा के शासन में त्रिपुरा में कानून का राज स्थापित हुआ है। साथियों, आप याद करिए, हिंसा के उस दौर में महिलाओं पर, हमारी बहनों हमारी बेटियों पर कितने अत्याचार हुए थे। लेकिन आज त्रिपुरा में महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का जीवन आसान बनाने वाले काम हो रहे। अभी मेरे त्रिपुरा के एक मां ने आकर के मुझे पगड़ी पहनाई। सिर्फ पगड़ी पहनाई नहीं, बहुत ही एक बेटे को जैसे आशीर्वाद दे, उस मां ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। मुझे खुशी है इस चुनाव में यहां से हमारी एक युवा बेटी ही भाजपा की उम्मीदवार है। साथियों, पहले की सरकारों के दौर में ढलाई भारत के सबसे पिछड़े जिलों में एक था।